वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान्नगतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छै गोसाईर कोरी चरण बंदन जहां होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हम नियम सेवा के उपलक्ष्य में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं का आस्वादन कर रहे हैं। हृदय से उत्थित हैं ये प्रार्थनाएं और चूंकि हृदय से उठी हुई प्रार्थनाएं हैं, प्रिया प्रियतम के चरणों में की गई प्रार्थनाएं हैं, तो श्रोता के मन को ये छूती ही हैं, लुब्ध करती हैं। और ख़ास तौर पर वो भक्त जो लोग मंजरी भावोपासना की राह पर निकले हुए हैं, उन भक्तों का विशिष्ट मार्गदर्शन करती हैं हमारे प्यारे ठाकुर महाशय की ये प्रार्थनाएं। आज भी एक नई प्रार्थना को हम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं श्री गुरु कृपा से। और एक बार फिर से हमारे ठाकुर महाशय प्रिया प्रियतम के चरणों में अपनी विज्ञप्ति अभिव्यक्त कर रहे हैं, और वही विज्ञप्ति कि कब मुझे सेवा मिलेगी। आइए आस्वादन करते हैं। अरुण कमल दले शेज बिछाइबो बोसाइबो किशोर किशोरी अलकावृत मुख पंकज मनोहर मरकत श्याम हेम गौरी प्राणेश्वरी कबे मोरे होबे कृपा दीठी प्राणेश्वरी कबे मोरे होबे कृपा दीठी आज्ञाय आनिया कबे विविध फूल पर वचन सुनबो दुहु मीठी मृग मद तिलक सिंदूर बनायबो लेपबो चंदन गंधे
गाथी मालती फूल हार पहिराव बो धवाबो मधुकर वृंदे ललिता कबे मोरे बीजन देवबो बीजबो मारुत मंदे समजल सकल मिटबो दुःखले वर हेरबो परम आनंदे नरोत्तम दास आशपद पंकज सेवन माधुरी पाने हो बो हेनो दिन ना देखी कोनो चिन दुहु जन हेरबो नयने दुहु जन हेरबो नयने। बहुत ही प्यारी प्रार्थना। सिद्ध स्वरूप का जो आवेश है उसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हमेशा डूबे रहते हैं। इन्होंने ही तो कहा है, साधने भावी बो जहां सिद्ध देह पाई बो तहां राग मार्गिर ए ही से उपाय। तो राग मार्ग का उपाय क्या है? हम कहते तो हैं कि हम रागानुगा भक्त हैं, लेकिन रागानुगा भक्त करता क्या है? तो वही साधन में जो चिंतन करता है सिद्ध स्वरूप का, सिद्धि में वही प्राप्त होता है, है ना? अन्य कोई उपाय नहीं है, यही उपाय है और यही भक्ति तत्व लक्षण सार भी है। और हम सुनते चले आ रहे हैं कि किस तरह से हमारे ये जो आचार्य हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, इनका हृदय अपने स्वरूप में पूरी तरह से लीन हो चुका है और स्वरूप आविष्ट दशा में ही वो विभिन्न प्रकार की सेवाओं की अभिलाषा कर रहे हैं युगल सरकार के चरणों में। कभी प्रेम के परिपाक दशा में दीनता उदित होती है तो स्वयं को अयोग्य महसूस करने लगते हैं, कभी सोचते हैं कि ये सब मुझे कैसे मिलेगा। पर एक उपाय है, हमारे जो आचार्य वर्ग हैं श्री रूप सनातन आदि हमारे गोस्वामी, ये ही दे सकते हैं ये दान। कभी सोचते हैं मैं चैतन्य महाप्रभु का दासानुदास हूँ ना, और ये वस्तु महाप्रभु के द्वारा ही दी गई है तो ये वस्तु मुझे अवश्य ही मिलेगी क्योंकि मैं उनके दास का अनुदास हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे विचार आते हैं, क्या ये वस्तु मुझे मिलेगी, क्या मैं लायक हूँ, हाँ क्यों नहीं। हम सुनते चले आते हैं कि जो जागृति भक्त है उसके अंदर एक लक्षण होता है और वो है आशा बंध। भगवत प्राप्ति की, युगल चरण प्राप्ति की उसकी आशा कभी समाप्त नहीं होती। प्रेम के कारण उसमें इतनी अधिक दीनता जरूर बढ़ जाती है कि वो अपने को लायक नहीं समझता है, लेकिन तब भी आशा दामन नहीं छोड़ती। आशा ही उसका सर्वस्व है, एकमात्र धन है। आशा को वो पकड़े रहता है, भजन करता रहता है। और जब हम श्री हरि नाम का महत्व जानते हैं, पढ़ते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बताया जाता है कि ये हरि नाम अगर कोई मन से ग्रहण करे श्री गुरुदेव के अनुगत्य में, गुरु परंपरा में, तो ये हरि नाम का जब हम आश्रय ले लेते हैं और छोड़ते नहीं हैं, तो ये हरि नाम तब तक नहीं छोड़ते साधक को जब तक कि उसे वो निकुंज सेवा प्रदान ना कर दें और निकुंज सेवा के लिए प्रेम प्रदान ना कर दें। जिस तरह से एक बाण छोड़ा जाता है और वो पहले शरीर पर लगता है,
अंदर मांस को काटता है, शिराओं को, नसों को काटता है, हड्डी आदि को भी भेदता हुआ अंदर जाता है और फिर प्राण को बाहर निकाल करके ही वो बाहर होता है। ऐसे बाण हुआ करते थे। इसी प्रकार से श्री हरि नाम जब तक साधक को प्रेम ना दे दें तब तक वो विराम नहीं लेते, विश्राम नहीं लेते। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे ठाकुर महाशय सतत हरि नाम में डूबे रहते हैं और गौरांग बोलिते होबे पुलक शरीरा, हमेशा गौर हरि के गुणगान में डूबे रहते हैं हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। और उन्हीं की कृपा से यूं भी नित्य पार्षद हैं तो भी आचरण दिखा रहे हैं, सदा सर्वदा अपने सिद्ध स्वरूप में डूबे रहते हैं और प्रिय प्रियतम का दर्शन करते हैं, ललायित होते हैं और भी अधिक सेवा पाने के लिए। गुरुदेव ने अपनी सुधा कणिका व्याख्या में बहुत सुंदर व्याख्या की है इस प्रार्थना की। आइए आस्वादन करते हैं हमारे प्यारे गुरुदेव क्या कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, स्वरूप आविष्ट श्रील ठाकुर महाशय का चित्त सेवा वासना से भरपूर है। तो पहली बात निकलकर सामने आई कि सेवा वासना उसी के हृदय में पैदा होगी जिसका हृदय, जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है नाम की रगड़ से और वो स्वरूप में स्थित रहने लगता है। वो जो कुछ भी कार्य करता है वो स्वरूपाविष्ट होकर करता है। जिस सिद्ध स्वरूप का परिचय हमारे प्यारे गुरुदेव ने करुणा करके दिया, हर पल हर क्षण मानो उसी स्वरूप का अभिमान जागृत हो, भूल जाएं हम कि हम ये जड़ देह हैं। वस्तुतः जड़ देह हैं भी नहीं, पर देह का अभिमान ऐसा होता है कि अक्सर यही सोचते हैं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं खराब हूं, मैं मोटी हूं, मैं काली हूं, मैं गोरी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं। जबकि गुरुदेव कहते हैं तुम महासुंदर हो क्योंकि तुम किशोरी जी की दासी हो, ये तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारा तन मन हृदय चित्त सब बहुत सुंदर है, तुम पर गुरुवर्ग की करुणा है, कृपा है, महाप्रभु की करुणा है, तुम सब बहुत सुंदर हो, कोई भी बदसूरत नहीं है। शरीर से मत तोलिए अपने आप को, वो चिन्मय शरीर, उस चिन्मय देह का जो परिचय दिया है गुरुदेव ने, वो देह कितनी सुंदर है और वही मैं हूं, यही अभिमान सतत जिंदा रहे हमारे अंदर, बाकी सब समाप्त हो जाए। सब अणु परमाणु का घात प्रतिघात संघात है और क्या है। ये जो हमारा शरीर है जिस पर हम इतना अभिमान करते हैं, ये क्या है, अणु परमाणु इससे मिलकर बना है, ये तो समाप्त होने वाली चीज है, इस पर क्या गर्व करना, इसे क्या सजाना संवारना। लेकिन जिस चिन्मय स्वरूप का परिचय, जिस पार्षद शरीर का परिचय हमारे प्यारे गुरुदेव ने दिया है, जब कारण शरीर समाप्त होगा, यानी वो सारे कर्म सबके समाप्त हो जाएंगे जिनसे शरीर बनता है, वो उसे कहते हैं कारण शरीर। उसके बाद स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये तीनों शरीर समाप्त होंगे भजन करते करते, और स्वरूप आविष्ट मन जब सदा सर्वदा प्रिया प्रियतम की सेवा के लिए क्रंदन करेगा, प्रेम प्राप्ति होगी, तो फिर वही चिन्मय दिव्य शरीर प्राप्त होगा जो अणु परमाणु से नहीं बना, जो हड्डी मांस मज्जा का नहीं बना हुआ है। जैसे प्यारे श्याम सुंदर हमारे सच्चित आनंद के बने हैं, दिव्याति दिव्य, उनका एक नख भी कृष्ण है, उनका एक दांत भी कृष्ण है, उनका कान भी कृष्ण है, उनके बाल भी कृष्ण है, उनका नाम भी कृष्ण है, उनका नाम भी कृष्ण है। हमारे पेट में जो वायु होती है जो कि रजोगुण से उत्पन्न होती है और वो कंठ तक आती है और वो कभी होठों से टकराती है तो कुछ अक्षर निकलते हैं प फ ब, कभी तालू से टकराती है तो कुछ निकलते हैं,
कभी दांत से टकराती है तब कुछ निकलते हैं। तो कृष्ण इस प्रकार का अक्षर नहीं है। कृष्ण और कृष्ण नाम पूर्णतया शुद्ध अति शुद्ध है, और वही नाम जब हम लेते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, और वो हरि नाम जो स्वयं कृष्ण है, पूर्ण शुद्ध है, जो कि हरि नाम कैसे हैं, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्व नाम नामिनो, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह है, ऐसे प्यारे हरि नाम। बताया ना, दुनिया में हर चीज रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से बनी है। सतोगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, और तमोगुण मोह देता है। कोई भी वस्तु है, कोई भी शरीर है, कोई भी रिश्ता है, उसमें तीन चीजें होंगी ही, सुख दुख और मोह, सुख दुख और मोह। छूटता ही नहीं, छूटता ही नहीं, टूटता ही नहीं है, छोड़ ही नहीं पाते हैं। मोह है इतना ज्यादा, दुख भी मिल रहा है तो भी नहीं छूटता है, कभी सुख मिलता है लगता है सुख है। तो वो शरीर ऐसा नहीं है, ये मंजरी, ये किंकरी की देह, ये परम दिव्याति दिव्य है, आनंद से बनी है, सेवा रस से गढ़ी है वो देह। उस देह का अभिमान जब पूरा छा जाता है चित्त पर, तो कहा जाता है कि व्यक्ति स्वरूपाविष्ट हो गया। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय स्वरूपाविष्ट दशा में सेवा वासना की अभिलाषा से पूर्णतया युक्त हैं, उनका चित्त भरपूर है। गुरुदेव कह रहे हैं, सेवा के माध्यम से युगल माधुरी आस्वादन की कैसी विपुल अभिलाषा, उस परम लोभनीय वस्तु को पाने के लिए हृदय में कैसी प्रबल छटपटाहट। सेवा के माध्यम से ही युगल माधुरी का आस्वादन हो सकता है। सेवा की अभिलाषा अगर हृदय में नहीं है, और याद रखिए जिसके हृदय में भक्ति होगी, भक्ति भक्ति सुदुर्लभा है, और राग मार्ग की ये भक्ति तो परम सुदुर्लभा है। महाप्रभु के दिए बगैर बात बनेगी नहीं। महाप्रभु की शरणागति लेनी है, निताई चांद की शरणागति लेनी है, तब कहीं ये सुदुर्लभा भक्ति मंजरी भाव उपासना प्राप्त होगा, अन्यथा बात बनेगी नहीं। तो ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म कांड, इन सब में परिश्रम बहुत है और प्राप्ति भी कुछ खास नहीं, लेकिन भक्ति में, भक्ति में तो अगर कोई हरिनाम भी लेने लगे और दीक्षा भी ना ले, कुछ भी ना ले, सिर्फ हरिनाम लेता चला जाए, तो भी भगवान इतनी कृपा करते हैं कि उसके पाप भी समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर किसी को निकुंज सेवा चाहिए तो फिर दीक्षा आदि की अनिवार्यता है। तो सेवा जहां होगी, भक्ति का अर्थ ही है भजन यानी भक्ति यानी सेवा, तो सेवा जहां होगी वहां पर बहुत प्रेम होगा, और जहां प्रेम होगा वहां सेवा ही होगी। ब्रज प्रेम का अर्थ ही है भगवान को प्रसन्न करने की छटपटाहट, युगल सरकार को प्रसन्न करने की छटपटाहट। ये और किसी अन्य जातीय प्रेम में इस हद तक की आकांक्षा नहीं है। इतनी प्रबल निगूढ़, इतनी व्याकुलता नहीं है कहीं अन्य जगह जितना कि ब्रज प्रेम में, और वो भी मंजरी भाव में प्रिया प्रियतम की सेवा की जो छटपटाहट है वो और कहीं नहीं देखी जाती। हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि ये जो युगल सरकार है ये परम लोभनीय है, परम लोभनीय, और ये सेवा उनकी मिल जाए ये परम लोभनीय वस्तु है। ये ऐसा प्रेम है युगल सरकार के प्रति कि अगर किसी को एक बार हो जाए तो इसका वियोग असंभव है। एक बार वो उस माधुरी का कण, उसका एक आभास भी अगर पा ले तो ये जगत उसके लिए खाक लगता है।
तुच्छ अति तुच्छ लगता है, वो कुछ और पाना ही नहीं चाहता। तो इस पद में भी हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय युगल की विविध सेवा की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। पिछले पद में आपने सुना कि सेवा सामग्री सजाकर श्री ललिता जी के पास रखने की प्रार्थना की थी कि ललिता जी के पास सेवा सामग्री रख दूं, ऐसी मुझे आज्ञा मिले और ललिता जी प्रिया प्रियतम का श्रृंगार करें, या ललिता जी इशारा करें हमें ही, या कोई गुरु मंजरी इशारा करे, या कोई अन्य मंजरी जाए, परंतु मैं सारी वस्तुएं ला करके रख दूं ताकि सेवा में कहीं कोई बाधा ना आए, देरी ना हो, विलंब ना हो, सेवा होनी चाहिए। गुरुदेव आगे बहुत निगूढ़ तत्व का निरूपण कर रहे हैं। निभृत निकुंज में श्री राधा माधव का विलास होगा। निभृत निकुंज एक ऐसी जगह है जहां प्रिया प्रियतम ही जाते हैं, सखियां भी नहीं जाती हैं। कुंज निकुंज निभृत निकुंज, निभृत निकुंज में सिर्फ प्रिया प्रियतम ही जाते हैं। निभृत निकुंज में प्रिया प्रियतम, और निकुंज में प्रिया प्रियतम बैठते हैं और उनके साथ अष्ट सखियां, और कुंज में समस्त सखियां जा सकती हैं। तो निभृत निकुंज जो है उसमें प्रिया प्रियतम का विलास है। देखिए, मैंने आपको बताया कृष्ण एक आम आदमी नहीं है, वो परम पुरुष हैं, और परम पुरुष में भी आपको अभी बताया कि सच्चित आनंद से बने हैं। वो रस हैं, वो रस ऊपर से लेकर नीचे तक वो रस ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और उनकी अपनी संधिनी शक्ति से इसी रस ने एक विग्रह का रूप धारण किया है और वो कृष्ण है। रस ही कृष्ण है और आनंद या आह्लादिनी शक्ति ही प्रिया जी है। संधिनी शक्ति की वजह से इस आनंद शक्ति ने, इस आह्लादिनी शक्ति ने एक स्वरूप धारण किया, वो प्रिया जी है। हम श्री राधा रानी के तत्व में अगर प्रवेश करें तो हमारे प्यारे श्री रामानंद राय जी ने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु तो राधा कृष्ण एक आत्मा है, और वही बुलवा रहे हैं उनसे कि भाई उजागर करो ये सारे तत्व सबके लिए, कौन है प्रिया जी, क्या है, कोई आम नायिका नहीं है, कोई आम स्त्री नहीं है जैसे कि लोग सोचने लगते हैं। श्री कृष्ण के लिए वो इस हद तक उन्हें मानव सोचने लगते हैं कि वो उनके माधुर्य के आस्वादन से वंचित हो जाते हैं और कई बार अपराध भी कर बैठते हैं। वो रासलीला नहीं समझ पाते बेचारे, वो गोपीजन वल्लभ का गोपियों के संग व्यवहार नहीं समझ पाते, वो गोपियों को नहीं समझ पाते, कुछ नहीं समझ पाते और अपराधी हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं बेचारे। तो हमारे प्यारे श्री रामानंद राय जो कि स्वयं विशाखा सखी हैं, प्रिया जी की बहुत ही प्रिय सखी, वो कहते हैं कि देखिए, प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, प्रेमेर परम सार, प्रेम का जो एसेंस है, जो क्रीम है, मानो प्रेम एक समुद्र है और समुद्र को घूंटते 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 उठाते 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 सब समाप्त हो जाए और कुछ बचे, वो जो बच गया वो महाभाव है, वो महाभाव है, महाभाव जानी। और से महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, हमारी जो किशोरी जो हैं, हमारी जो ईश्वरी हैं, वो महाभाव से बनी हैं, महाभाव से बनी हैं। हमारे प्यारे श्री रामानंद राय जी ने एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से बता दी, ध्यान से सुनिए। प्रेमेर स्वरूप देह, प्रिया जी का देह क्या है, प्रेम का स्वरूप है, प्रेम से ही सब कुछ बना है, उनके केश, उनके नयन, उनके
नासिका, उनकी दंतावली, उनके ओष्ठ, उनके हाथ, उनके स्तन कमल, सब कुछ प्रेम से ही बना है, सब कुछ। अनुराग, विरह, व्यथा, ये हम कहाँ समझ पाएंगे भला, प्रेम से बना है। प्रेमेर स्वरूप देहे, प्रेम विभावित, प्रेम विभावित। किशोरी जू का स्वरूप प्रेम से बना है, उनके जितने भी भाव हैं, जितने भी वाक्य हैं, जितनी भी वाणी है, चाहे मान हो, चाहे ताना हो, चाहे अपशब्द ही बोल दें कृष्ण को, तुम निकल जाओ, सब प्रेम से उत्थित है, महाभाव से उत्थित है। याद रखिए, प्रेमेर परम सार, महाभाव से उत्थित है। उनका रूप जो इतनी सुंदर है कि कृष्ण वशीभूत हैं, तो कृष्ण प्रेम के वशीभूत होते हैं, जनार्दन भावग्राही। और जब महाभाव आगे हो, महाभाव स्वरूपणी आगे हो, तब श्री कृष्ण की अवस्था हम सोच भी नहीं सकते, कैसी अवस्था होगी उनकी। राधार रूप गुण अमार जीवातु, वो बोल उठते हैं। तो उनके समस्त भाव जो हैं वो प्रेम से उत्थित हैं, प्रेम विभावित। उनका चलना, उठना, बैठना, देखना, सब महाभाव और विभिन्न प्रकार के भावों से युक्त है, भाव भंगिमाएं। प्रियतम श्याम सुंदर प्रिया जी के भावों में डूबे रहते हैं, उनका रूप महाभाव से निर्मित है, उनकी लीला महाभाव, मादनाख्य महाभाव से उत्थित है। तो कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित, इसीलिए श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रेयसी है, सर्वश्रेष्ठ। से महाभाव होय चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे एक कार्य तार। ये महाभाव क्या है? चिंतामणि सार है। चिंतामणि क्या होती है? चिंतामणि ऐसी मणि जो समस्त चिंतन को पूर्ण कर दे, चिंतामणि। प्रिया जी श्याम सुंदर के समस्त प्रकार के आनंद आस्वादन की समस्त वांछाओं को पूर्ण करती हैं, क्योंकि उनकी आलादनी शक्ति है ना, और शक्ति शक्तिमान की तरफ ही जाएगी, और इस तरीके से पूर्ण करती हैं कि कृष्ण भी चमत्कृत हो जाएं। ऊपर से परकिया भाव का आरोप है, श्याम सुंदर ने परकिया भाव का आरोप कर रखा है सब पर, अपनी योग माया जी के द्वारा, योग माया ने ये कर रखा है, तो दुर्लभता भी बहुत हो गई है। और वहां जीवातु भी, जीवातु ही प्रिया जी हैं, और दुर्लभता इतनी है, और प्रच्छन्न कामता है, और बहुत बाधाएं हैं। तो इस रस में जबरदस्त उत्कर्ष है, चमत्कार है। इसको गुरु कृपा से जो अनुभव कर ले तो वो बड़ा भाग्यवान है। तो कृष्ण वांछा पूर्ण करे एक कार्य तार, ये हमेशा आप समझ लीजिएगा, उनका जो कार्य है एक कार्य तार, उनका कार्य श्री कृष्ण की समस्त रस आस्वादन की इच्छाओं को पूर्ण करना है। अगर वो किसी भक्त से भी रस आस्वादन करना चाहते हैं तो वहां प्रिया जी ही प्रेम के रूप में बैठती हैं, उसके चित्त वृत्ति में मिक्स हो जाती है आलादनी और संवित की सार वृत्ति, और वो प्रेम का नाम लेती है, और कृष्ण उस भक्त से जो व्यवहार करते हैं वास्तव में वो भी प्रिया जी से ही करते हैं। बड़ी गौर से समझिए ये प्रिया जी का ये जो तत्व है ना, बहुत गहराई में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर बताने का प्रयास करूंगी। जहां पर श्री रामानंद राय जी फिर से कहते हैं, कृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर, अनुपम गुण गण पूर्ण कलेवर। क्या है प्रिया जी? कृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर, विशुद्ध प्रेम, कृष्ण विशुद्ध प्रेम हम सोच भी नहीं सकते कैसा होता होगा, विशुद्ध कृष्ण प्रेम, और वो प्रेम रूपी रत्न का आकर है, पूरा खजाना है,
और अनुपम गुण गण पूर्ण कलेवर, और कैसे गुण है हम सोच भी नहीं सकते हैं। धीरे धीरे इन पर चर्चा करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी। तो ऐसे प्रिया जी का अगर श्याम सुंदर के साथ विलास हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं युगल सरकार का जो ये प्रेम है, ये जगत का आदमी औरत का काम नहीं है। यहां पर आपको बताया जगत के जो आदमी औरत हैं, उधर उनमें कोई सुंदरता नहीं होती। उनका आंख नाक कान सब जगह से नौ जो अंग हैं, नौ छिद्र हैं, उनमें से नौ प्रकार की गंदगी निकलती है। पहली बात भाव शुद्ध नहीं होते, दूसरी बात बल नहीं है, तीसरी बात सौंदर्य नहीं है, चौथी बात दिव्यता नहीं है, पांचवी बात प्रेम नहीं है, छठी बात काम, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना किसी से काम, और ये परिणाम को प्राप्त देह है, वहां कोई आनंद नहीं है, आनंद विहीन देह है, आनंद को ढूंढती हुई हम हैं, और इस देह में अपने आप में कोई आनंद नहीं है। और इस देह से दूसरे, इस देह के द्वारा दूसरे देह से एक व्यक्ति जब आनंद लेने की कोशिश करता भी है तो भी वो ठगा जाता है, क्योंकि आनंद वहां नहीं है। आनंद है प्रिया प्रियतम के श्रृंगार रस की लीलाओं में। देखिए हमारे जो प्यारे रामानंद राय हैं, उनसे महाप्रभु ने कुछ बातें, कुछ प्रश्न पूछे हैं, और रामानंद राय जी ने बड़े सटीक उत्तर दिए। श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत के मध्यम लीला के अष्टम परिच्छेद में चले जाइए। मैंने चैतन्य चरितावली नहीं बोला, श्री चैतन्य चरितामृत बोला है, ठीक है। और ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत। बहरहाल अगर अष्टम परिच्छेद में चले जाएं, 20वें अष्टम परिच्छेद नहीं, फिर से हाँ, श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अष्टम परिच्छेद में चले जाइए। तो वहां पर प्रभु ने पूछा देखिए कि संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, ये बताओ रामानंद राय कि जीव किसे अपनी संपत्ति बोल सकता है, क्या है जीव के पास संपत्ति, क्या है? धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, ये संपत्ति है क्या? ये सब तो परिणाम को प्राप्त है, ये तो क्षय हो जाएगी, तो समाप्त हो जाएगी, शरीर समाप्त, ये भी समाप्त और वैसे भी समाप्त, और ये देता ही क्या है? आत्मा की खुराक तो नहीं देता। भाई जब कोई ये प्रश्न पूछता है कि माता पिता की सेवा करने से क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तो ये सब देह धर्म है, माता पिता बच्चे पति पत्नी सब देह के धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। जैव धर्म सिर्फ एक ही है, और वो है भगवान का भजन। जैव धर्म के लिए अगर देह धर्म की तिलांजलि भी दे दी जाए तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है, एक सीधी सी बात है ना। वो बात अलग है कि हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए जैव धर्म की रक्षा करते हुए चलें तो वो ज्यादा सुंदर स्थिति होगी। तो जब पूछा गया ये बताओ संपत्ति जो जीव के है उसमें कौन सी संपत्ति है, कहोगे कि हाँ वस्तुतः यही जीव की संपत्ति वास्तविक संपत्ति है, तो बोला श्री रामानंद राय ने, राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ो धनी। प्रिया प्रियतम से जिसको प्रेम है भाई वो बहुत धनी है। हा हा बलिहारी क्या बात बोली, श्री राधा कृष्ण से जिनको प्रेम है वो बड़े धनी हैं। कभी सुना है धनी की ऐसी परिभाषा आपने, बताइए? मैंने तो नहीं सुना, हम तो बिलियनेयर मिलियनेयर ये टर्म्स जानते हैं, नोट स्टॉक एक्सचेंज और यही सब सुना है अपने भौतिक जीवन में, लेकिन ये तो एक
अनुपम बात बोल दी और उसके बाद बोला गया कि देखो गान मध्य कौन गान जीवेर निज धन। इंसान बहुत कुछ गाता है ना अपनी खुशी के लिए, कितने प्रकार के गाने गाता रहता है, तो उसे क्या गाना चाहिए जिससे कि उसका जैव धर्म पूर्ण हो। वो ढूंढ क्या रहा है, वो आनंद ढूंढ रहा है, और असल आनंद है प्रिया प्रियतम की लीलाओं में, श्रृंगार रस की लीलाओं में, और वहां जो प्रवेश है वो हो नहीं सकता है पुरुष भाव में, और स्त्री भाव में भी नहीं हो सकता है, वहां गोपी भाव में प्रवेश है और गोपियों के आनुगत्य में ही प्रवेश है, नित्य सिद्ध मंजरियों के आनुगत्य में प्रवेश है, गुरु मंजरी के आनुगत्य में ही प्रवेश है, वैसे प्रवेश नहीं है, महाप्रभु का दिया दान है, महाप्रभु के चरण शरण लेनी होगी, उनके भक्तों के चरण शरणागति लेनी होगी। तो बताया कि राधा कृष्णेर प्रेम के लिए जय गीतेर मर्म, जिस गीत का मर्म प्रिया प्रियतम के प्रेम के लिए हो, विलास क्रीड़ा, जहां पर कि काम की गंध नहीं है, काम का मतलब अपनी इंद्रियों को सुख देना, प्रिया प्रियतम एक दूसरे को सुख देते हैं, सुख का अनुरोध नहीं है किसी का भी। प्रिया जी बताया ना कि प्रति अंग लागी प्रति अंग कांदे मोर, हियार परश लागी हिया मोर कांदे, प्रिया जी बोलती हैं। श्याम सुंदर की भी वही अवस्था है, श्याम सुंदर की भी वही अवस्था है। तो ये अवस्था पहले समझनी होगी। तो जब ये बात महाप्रभु उजागर करवा रहे हैं रामानंद राय जी से, रामानंद राय जी ने जब बोला राधा कृष्णेर प्रेम के लिए जय गीतेर मर्म, देह मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान, प्रश्न पूछ रहे हैं महाप्रभु। अरे रामानंद जी बताइए कि लोग कहते हैं ना कि भजन करो और स्मरण करो, स्मरणांग भजन करो, स्मरण करो, या लोग कहते हैं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, फला फला ऋषि हैं महात्मा जी हैं वो ध्यान कराते हैं, 5 मिनट में परमात्मा के दर्शन करा देते हैं, वो ध्यान करा देते हैं, वो आँख बंद करा देते हैं, आँख बंद करके फिर लाइट वाइट दिखाते हैं, वो सब ठीक है, वो सब को भी नमस्कार है, सब वंदनीय है, लेकिन हमारे प्यारे राधा कृष्ण मिलित एकात्म, हमारे रस राज और रस भाव मिलकर जो एक हुए हैं, हमारे प्यारे गौर सुंदर जो वास्तविक रूप से तो ब्रजेंद्र नंदन हैं, परंतु उन्होंने प्रिया जी का महाभाव ओढ़ा हुआ है, उनका वर्ण ओढ़ा हुआ है, तो प्रिया जी ही हो गए एक तरीके से, अपनी सखी विशाखा जी यानी रामानंद राय जी से पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं देह मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान, जीव का कर्तव्य बताइए किसका ध्यान करें। उत्तर देखिए, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान, प्रिया प्रियतम के चरण कमलों का ही ध्यान प्रधान ध्यान है, उनकी लीलाओं का ध्यान, लीला में नाम भी आ जाता है, लीला में धाम आ जाते हैं, लीला में पार्षद आ जाते हैं, लीला में गुण आ जाते हैं, दिव्य गुण, लीला में रस होता है, लीला में आनंद होता है, लीला में हम होते हैं, लीला में संबंध होता है, लीला में सेवा होती है। तो राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। फिर पूछा कहार स्मरण जीव करिबे अनुक्षण, अनुक्षण जीव किसका स्मरण करे, तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण, और ध्यान में राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। श्रवण मध्य जीवेर कौन शेष श्रवण, अब ध्यान से सुनिए इन लीलाओं का जो वर्णन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जीव को जो ये कर्ण रूपी इंद्रिय मिली है ना, ये तब तक पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो सकती जब तक ये प्रिया प्रियतम के श्रृंगार रसात्मक लीलाओं को नहीं सुनेंगे। ये तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए, नहीं हो सकती संतुष्ट, चूंकि वो ये तो सुन नहीं पाती हैं, ना कृष्ण स्वरूप को जान पाते हैं, ना निज स्वरूप को जान पाते हैं जीव के रूप में, ना भगवान को जान पाते हैं, ना प्रिया जी को जान पाते हैं, कुछ नहीं जान पाते हैं, और बाहरी माइक वातावरण से
इंस्पायर्ड होकर के, प्रेरित होकर के जब प्रिया प्रियतम के बारे में सोचते हैं तो हम उसमें अपने गलत अंदाजे लगा देते हैं और प्रिया प्रियतम के माधुर्य से, उनकी लीलाओं से वंचित हो जाते हैं, हमेशा के लिए दोषी हो जाते हैं उनके चरणों में। कष्ट की बात है। तो श्रवण किसका करें? श्रवण मध्य जीवेर कौन शेष श्रवण? तो हमारे प्यारे रामानंद राय जी ने क्या कहा, राधा कृष्ण प्रेम लीला कर्ण रसायन, कानों के लिए अमृत है राधा कृष्ण प्रेम लीला, युगल की आपस की लीला, विलास लीला, विहार लीला, हास परिहास लीला, अनेक लीलाएं, राधा कृष्ण प्रेम लीला, कर्णेर रसायन अमृत है, अमृत अमृत है। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी लोग यही नहीं जानते कि भगवान कौन। राधा कृष्ण तक पहुंचने के लिए तो बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, अभी तो भगवान नहीं जानते, गीता नहीं जानते, भागवत नहीं जानते। अगर किसी से पूछा जाए कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, तुमने क्या श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, तो बिना पढ़े वो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे देगा, तर्क वितर्क कर देगा और गीता के ऊपर ही करेगा, है ना। तो जहां अभी तो बेसिक ही नहीं पता और अनेक अनेक देवी देवताओं को भगवान की संज्ञा दी जाती है, अब किसी को यही नहीं पता कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तब उससे ये क्या बोला जाए कि जीव के लिए जो है श्रेष्ठ श्रवण यही है, कहां समझ पाएगा। देखिए सीधी सी बात है, गौर कीजिए इस बात पर, महाराज परीक्षित कोई युगल सरकार के रस के साधक नहीं थे, वो युगल के बारे में चिंतन नहीं करते थे, प्रिया प्रियतम की लीलाओं का चिंतन नहीं करते थे। परंतु जब समय आया शरीर छोड़ने का, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको श्रीमद् भागवतम सुनाई, तो रास पंचाध्यायी जो कि श्रीमद् भागवत के पंच प्राण है, वो सुनाए बगैर नहीं रह सके, क्योंकि कर्ण रसायन है वो अमृत है, वही सिंचन करेगा अंदर, वही सींचेगा हमारे प्राणों को कि इतनी अपूर्व लीला, श्याम सुंदर का माधुर्य, प्रिया जी के प्रेम की सीमा, यत्ते सुजात चरणाम्बूरु हमस्तनेशु, जहां वो बोल रही हैं, ऐसी कोई बात ही किसी शास्त्र में किसी भक्त ने नहीं बोली, अचिंत्य बात कि हम आपके कोमल चरणों को अपने कठोर स्तनों पर रखने से डरती हैं, हम डरते डरते रखती हैं कि कहीं आपको चोट पहुंचेगी, कोई सोच सकता है? कोई सोच सकता है ये बात? नहीं सोच सकता। पर प्रिया जी ही सोच सकती हैं, महाभाव स्वरूपणी हैं भाई, वही सोच सकती हैं, कृष्ण सुख में आत्महारा हैं जो, वही सोच सकती हैं। तो उपास्यर मध्य कौन उपास्य प्रधान, किसकी उपासना करनी चाहिए, महाप्रभु पूछ रहे हैं। देखिए तो ब्रजेंद्र नंदन पूछ रहे हैं, भाई किसकी उपासना करनी चाहिए, रामानंद जी बताइए। तो श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम, जो हम हरे कृष्ण बोलते हैं वही है राधा कृष्ण युगल नाम। तो गुरुदेव ने जब ये कहा कि निभृत निकुंज में राधा माधव का विलास होगा, तो श्री राधा माधव के तत्व को जानना और उसके उनके विलास के तत्व को जानना बहुत जरूरी है। और अगर हम तत्वतः नहीं जानेंगे और लीला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे गुरु कृपा से, तो फिर जीवन धारण करने का औचित्य ही क्या है, ये जीवन है किस काम का, क्यों कर रहे हैं इतना साधन भजन,
अगर हम इस हाईएस्ट रस को जो कि श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके हम सबको दिया है, अगर वहां हम नहीं पहुंचते हैं तो। आगे कहा, विलास की अतिशयता से कुसुम शैया विमर्दित होगी। ये प्रेम जब उत्ताल रूप से तरंगायित होगा, प्रिया प्रियतम का ये जो मिलन, ये जो विलास है ना, और कुंज रंध्रों पर नयन देख रख करके मंजरी देख रही होगी, सात्विक विकारों में डूब रही होगी, आंखों से अश्रुपात हो रहे होंगे, इस प्रेम की अतिशयता को देखकर वो स्तंभित हो रही होगी, लेकिन सेवा से गठित है उसके मन प्राण, इसलिए सेवा की तरफ उस समय भी ध्यान है कि कहीं प्रिया प्रियतम के इस आस्वादन में बाधा ना आ जाए। तो विलास कुंज में गमन आगमन का अबाध अधिकार मात्र मंजरियों को ही है, किंकरियों को ही है, सखियां वहां प्रवेश नहीं करती, ललिता आदि सखियां नहीं प्रवेश करती। गुरुदेव कहते हैं सखियां भी सेवा के लिए इन्हीं को कुंज में भेजती हैं, ये मंजरियां ही जाती हैं सेवा के लिए। तो विलास की अतिशयता से कुसुम शैया मर्दित है। किंकरी के रूप में श्रील ठाकुर महाशय विलास कुंज में प्रवेश किए, उन्होंने देखा विलास शैया मर्दित है, तो वो अरुण वर्ण के कमलों की पंखड़ियों से शैया रचना करेंगे और किशोर किशोरी श्री राधा श्याम सुंदर को उस पर बिठाएंगे। अनंत माधुर्य वारिधि ये प्रिया प्रियतम, अनंत माधुरी श्री अंगों में झलकती है, ये ज्योतिर्मय स्वरूप उनका, ये लावण्यामृतमय स्वरूप, ये मधुराति मधुर स्वरूप। और प्रिया जी का प्रेम पाकर के श्याम सुंदर का ये जो स्वरूप है, मदन मोहन स्वरूप, ये ऐसा हो जाता है कि जो वर्णन के बाहर है, अचिंत्य है। प्रिया जी का स्वरूप ऐसा हो जाता है कि उनकी माधुरी श्याम सुंदर को अटका के रख देती है पूरी तरह से, वो हिल नहीं पाती थोड़ा सा भी। तो ऐसा स्वरूप गुरुदेव ने आगे लिख भी दिया, विलास के अंत में श्री राधा माधव की कैसी अपूर्व शोभा, अपूर्व शोभा, नित नव नवायमान शोभा है प्रिया प्रियतम की, नित नव नवायमान है। प्रेम से ही मगर अनुभव में आती है, प्रेम जिसका पूर्ण होगा, पूर्ण दर्शन होंगे, जिसका प्रेम पूर्ण होगा उसे पूर्ण दर्शन होंगे इस शोभा के। और इसी शोभा को के दर्शन के लिए वस्तुतः देखा जाए तो आंख रूपी इंद्रिय बनी है। अगर हमारी इन आंखों को उन्हीं की झलक ना मिल सके, वो अनुभव में भी ना आ पाए, वो अनुभव गम्य ना हो पाए, तो फिर क्या फायदा है इन समस्त इंद्रियों का, कि अगर प्रत्येक इंद्रिय से उन्हें अनुभव नहीं कर पाए तो। तो इसीलिए गुरुवर्ग कहते हैं कि एक ही जीवन है, लगा दो पूरी तरह से भजन में। हर जीवन में तो मौज मजा मस्ती किया ही है, कुत्ते बिल्ली जब भी जो कुछ भी बने हमने सब कुछ किया ही है, अब क्या इतना लगे रहना। उसके बाद जब हम 70 साल 80 साल में भजन शुरू करेंगे तो कहां भजन की सिद्धि होगी बताओ भला। संस्कार इतने पक्के हो गए ना, वो बहुत मुश्किल से खत्म होते हैं। तो आगे गुरुदेव कहते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण तम तत्व हैं। वेद कहते हैं कि जो पूर्ण स्वरूप में ना वृद्धि होती ना उसकी घटोतरी होती, पूर्ण स्वरूप हैं। लेकिन वेद सार श्रीमद् भागवत कहते हैं कि जरूर ये सब नहीं होता, किंतु अतिशयता है, रूप की अतिशयता है, नित नव नवायमान है। हमारे कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जो कि कस्तूरी मंजरी है, वो तो अपनी आंखों से देखती है, वो तो कहती हैं कि प्रिया जी और प्रियतम दोनों के रूप गुण आपस में होड़ा होड़ी करते हैं,
ऐसे बढ़ते हैं। प्रिया जी के प्रेम को देख करके श्याम सुंदर का रूप बढ़ता है। श्याम सुंदर को सुख पहुंचा सकी हूं मैं, ये देख करके प्रिया जी का रूप माधुर्य बढ़ता है। इनकी खुशी देखकर उनका, उनकी खुशी देखकर इनका, और इसका आस्वादन करती हैं हमारी ये प्यारी मंजरियां, किंक्रियां, सहचरियां, गुरुदेव कहते हैं श्री वृंदावन में वही अतिशयता घटित होती है। तो ये अतिशयता कैसे घटित होती है, क्या रूप लावण्य है, कैसा रूप लावण्य है, थोड़ा बहुत आस्वादन करेंगे हम। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो आज की भागवती कथा फिलहाल यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।